नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहाँ कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ आप पर आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस दिया गया है आप उस एड्रेस को अगर बदलना चाहते हैं और ऐसे में यहाँ पर आपके पास को कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं है यानी कि आप जिस एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में और उसे अपडेट करने के लिए आपके पास कोई ऐसा एड्रेस प्रूफ नहीं है एंड यहाँ पर आपके पास एड्रेस प्रूफ है भी तो आप उस एड्रेस प्रूफ को नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो उससे मिल जुलता नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप यहाँ पर बिना किसी एड्रेस प्रूफ को दिए यहाँ पर अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से चेंज कर सकते हैं दूसरे तो इस सारे प्रोसेस को यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में करके दिखाने वाला हूँ तो उससे यहाँ पर वीडियो काफ़ी मजेदार एंड नॉलेजफुल होने वाला है तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक कर दें चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपकी जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर इन सारे प्रोसेस को यहां पर मैं अपने मोबाइल फोन की मदद से करने वाला हूं तो जिसके यहाँ पर हमें अपने डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद सर्च के आइकन पर जाना है टाइप करना है यू आई डी ए आई डॉट जी ओ वी डॉट इन एंड उसके बाद आपको इसे यहाँ से सर्च कर लेना है जिसके बाद आपके सामने यू आई डी ए आई का गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट आधार का एंड इसी ऑप्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स दिखाई दे रहे होंगे ब्लू कलर में तो इसी में आपको एक तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट डिमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन का जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सिंपली आपको अपडेट डिमोग्राफिक्स डाटा ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है डेली गिव अवे का पहला मनी रिडीम कोड है कैपिटल में क्यू फाइव एक्स फोर वन एन ए सेवन एंड जिसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा जहां पर आपको दिखाई देगा यू कैन नाउ अपडेट योर नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन एंड यहां पर अगर नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम अपडेट अगर करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर हम एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ देना होता है तो अगर आपके पास इन सारे प्रूफ में से कोई भी प्रूफ होता है तो ऐसे में यहाँ पर आप दे करके डायरेक्ट एड्रेस को चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा एड्रेस प्रूफ है ही नहीं जो कि आप दे करके चेंज कर सकते हैं तो ऐसे में यहाँ पर देखिए आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डू नॉट हैव एड्रेस प्रूफ रिक्वेस्ट अ वैलिडेशन लेटर एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए दिखा रहा है चेक अपडेट स्टेटस तो इस पर जा कर के आप यहाँ पर मान लीजिए प्रोसीड टू अपडेट आधार पे जाते हैं यहाँ से आप डायरेक्ट अपने किसी भी प्रूफ को दे करके किसी भी चीज़ को इसमें चेंज कर सकते हैं चाहे वो नेम हो डेट ऑफ बर्थ हो जेंडर हो एड्रेस हो लैंग्वेज हो बट यहाँ पर आपके पास प्रूफ नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा तीसरा रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर का तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर टैप करना है इस वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है जहाँ पर आपको अपने आधार नंबर एंड यहाँ पर जो कैप्चे कोड बॉक्स में दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर टाइप करके सेंड ओ वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर ओ को फ़िलअप करके लॉग इन कर लेना है अपने आई को एंड जैसे दोस्तों आप इसमें लॉग इन हो जाते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपने फ्रेंड के आधार नंबर को इंटर करना होगा अब आपको इसी बात का ध्यान से देना है एंड यहाँ पर अपने फ्रेंड के आधार नंबर को आप लोगों को सिंपली इंटर कर देना है एंड जिसके बाद दोस्तों आपके फ्रेंड के यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज चला जाएगा जहाँ पर उसे एक लिंक दिया जाएगा उस लिंक पर अपने दोस्तों को बोल देना या फिर जो भी चीज़ होगी जहाँ का भी देखिए आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं उसी का आधार नंबर आपको इसमें देना है इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान देना है आपको उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई भी आधार नंबर नहीं देना है तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा तो आपको उसी का यहाँ पर देना है आधार नंबर जिसपे वो एड्रेस यहाँ पर मौजूद हो जो कि आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसी का आपको देना होगा आधार नंबर क्योंकि उसी का एड्रेस आपके आधार कार्ड पे लिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए उस कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसके फ़ोन में एक मैसेज जाएगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का लिंक दिखाई देगा तो सिंपली आपके दोस्त को इस लिंक पर टैप करना है एंड यहाँ पर अपने आधार कार्ड को उसको वेरीफाई करना होगा एक ओ के थ्रू एंड जिसके बाद यहाँ पर उसका जो एड्रेस होगा वो आपके पे अपडेट होने के लिए ईज़िली चला जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक एस नंबर भी जनरेट हो जाएगा एंड दोस्तों कुछ इस तरीके से जो आपका है आधार कार्ड में अपडेट वो इजीली हो जाएगा एंड यहाँ पर जो भी आपका फ्रेंड का एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर आपके आधार कार्ड पे अपडेट हो जाएगा बिना किसी एड्रेस प्रूफ के दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड में ईज़िली एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से दोस्तों तो 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 उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों हम शेयर करें ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन दबाना ना भूलें इसी के साथ मिलते हैं कौन नहीं मजेदार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम